आज आए हम लोग रबर डैम घूमने के लिए और मेरे साथ में कौन? करण कुमार। तो चलिए आप लोग दिखाते हैं रबर डैम को किस तरह से बनाया गया है। बहुत बार हम लोग पहले भी आए लेकिन हम लोग ब्लॉग नहीं बना पाए थे, जो सोच रहे हैं कि आज से ब्लॉग बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या करण, सही रहेगा ना आज से बनाने के लिए? ठीक है, चलिए आप लोग दिखाते हैं आज का रबर डैम। चलिए तो आप लोगों को लेकर चलते हैं रबर डैम के ब्रिज के ऊपर। क्या करें, हाँ चला जाए, चलते हैं हम लोग रबर डैम के ब्रिज के ऊपर। तो देखिए किस तरह से ब्रिज को बनाया गया है, आइए आप लोगों को लेकर चलते हैं। देखिए ये ऊपर जाने का रास्ता है, इससे हम लोग ऊपर जा रहे हैं। क्या करें, हाँ ऊपर जा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। ऊपर जाने का ब्रिज के ऊपर जाने का रास्ता है, ब्रिज के साइड से भी दृश्य बनाया गया। देखिए इस तरफ से हम लोग चलते हैं, कैसा ब्रिज दिखता है। हाँ, यहाँ आप से दिखाते हैं, आप ब्रिज का साइट ले सकते हैं। हाँ, देखिए ये लंबा बनाया गया है, इससे है कि आपका पानी आने के बाद नुकसान भी नहीं होता है हमारा। हाँ, साइट का दृश्य का। हाँ, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए ये लगभग 80 फीट लंबा है नकरण। हाँ 80 फीट लंबा लगा हुआ, यहाँ से आप लोग पूरा रबर डैम का दृश्य यहाँ से देख सकते हैं। और इस डैम की खासियत यह है, ये जो रबर लगा हुआ है ना चुनू, ये 6 कॉन्क्रीट के पिलर से लगा करके इसको होल्ड करने की कोशिश की गई है। और ये जो है वो 3 मीटर पानी को होल्ड करेगा, जब 3 मीटर से पानी ज्यादा होगा तो वो पानी को इधर रिलीज करेगा। तो इसी कारण से हम देख पा रहे हैं कि उधर पानी फल्गु में पानी है और इधर दिखाइए आप, इधर पानी कम है, इधर पानी फल्गु में नहीं है। तो फल्गु में पानी कब होगी, जब मानसून आएगी, और मानसून के समय जब पानी बढ़ेगा तो 3 मीटर के बाद इस पानी को रिलीज कर सकता है। इसमें यह भी प्रबंध किया गया है, ये जो आप रबर देख रहे हैं इसमें हवा और पानी का मिश्रण से इसको फुलाया गया है। ठीक है, तो इसको हम ऑटोमेटिकली ऑपरेट भी कर सकते हैं अगर चाहेंगे तो। देखो पानी रिलीज करना, तो हम हवा और पानी के कंपोजिशन को कम करेंगे तो ये रबर डैम जो फुला हुआ है ये क्या होगा, पिचकेगा और पानी फिर इधर आएगा। तो इसकी व्यवस्था की गई है। और नदी में पानी ना होने के कारण ये है कि इस बार जो है मानसून बहुत कम हुआ था, इसके कारण से पानी बहुत कम इसमें है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल का भी प्रावधान किया गया है के लिए। अब इसमें पानी हमेशा रहे, तो गंगा जल वाला जो वाटर सिस्टम जो है वो चालू होता है समय के अनुसार, क्योंकि तो अभी चालू हुआ था कुछ दिन पहले, अभी थोड़ा देर पहले बंद हुआ। ठीक है, तो चलिए आपको पूरा रबर डैम का दृश्य दिखाते हैं आज हम। ये देखिए बहुत ही अच्छा दृश्य है यहाँ का, बहुत ही बढ़िया दृश्य है। देखिए बहुत ज्यादा लोग यहाँ घूमने के लिए आए हैं, संडे है इसलिए बहुत ज्यादा भीड़ है, देख सकते हैं यहाँ पे मेला का जैसा भीड़ है। मंटू तुम कुछ बोले, हाँ कैसा लग रहा तुमको घूम के? यहाँ अच्छा बताओ, अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? डेम को जो है बोलो बोलो, देखो कुछ बोलो। देख लीजिए, जो डैम बना हुआ है इस डैम को कंक्रीट के ब्रिज से भी जोड़ा गया है ताकि विष्णुपद को सीताकुंड से जोड़ा जाए। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता आपको सीताकुंड ले जाएगा, हम लोग सीताकुंड तक ले जाएंगे। लंबा वीडियो होगा लेकिन पूरा एक ही बार हम लोग दिखाएंगे सीताकुंड तक। रबर डैम गया आई थी अपने पितरों के दान के लिए, और उसी समय का इतिहास है, जहाँ पे सीता मां ने बैठ करके पितृ दान किया था वहाँ पे भी सीताकुंड बना हुआ है। वहाँ पे आपको ले चलेंगे थोड़ा देर में, अब चलते हैं हम लोग धीरे धीरे। क्या करना है, नीतीश कुमार के द्वारा उसका भी रियोनगेशन करवाया गया था सीताकुंड का भी, और उसको बहुत अच्छे से बनाया गया है। घूमने लायक जगह है, कभी आइए बिहार में और आकर के घूमिए, विजिट कीजिए। बिहार अब बिहार नहीं रहा भाई, बिहार अब लंदन को फेल करेगा कुछ दिन में। क्या करें, सही बोल रहे हैं ना, सही बात। चलिए हम लोग विष्णुपद से आय का दृश्य दिखाते हैं। ठीक है करण, चलते हैं सीताकुंड की ओर, चलते हैं लोगों को दिखाते हैं। चल इधर का लोकेशन दे दो करण थोड़ा, उधर विष्णुपद, इधर ये रहा, ये साइड आप विष्णुपद जा सकते हैं, और ये साइड विष्णुपद हो गया, और साइड आप देख रहे हो सीताकुंड है। ठीक है, वहाँ जाकर स्नान वगैरह कर सकते हैं। हाँ बस सीता माता जो है कि पिंड दान किए थे, देख सकते हैं आप यहाँ बहुत ज्यादा गया जी डैम नाम रखा गया है ना, इसका डैम गया जी रबर डैम, क्योंकि यहाँ देखिए माँ सीता सेतु रखा गया ना, सीता सेतु की ओर जा रही है। हाँ माँ सीता सेतु की ओर जा रही है। ये रबर डैम देख सकते हैं कितना ज्यादा यहाँ पे भीड़ है, हम लोग आप आए का लोग अक्सर विजिट करने आते हैं, देखते हैं आकर के। ये देखिए अपना लोकेशन देख रहे हैं, ये डैम बहुत महत्वपूर्ण महत्व रखता है। और देखिए यही रबर है क्योंकि बहुत ज्यादा कचरा जमा हुआ इस पे, सफाई पर ध्यान, 3 मीटर तक पानी को रोक के रखा है, 3 मीटर तक लगभग पानी को रोक के रखता है।
मेरा मित्र है देवेंद्र कुमार, हम लोग तीन मित्र आए साथ में, हम लोगों को गया जी का दिखाने, दृश्य दिखाने और गया जी को घुमाने आए हुए हैं। आप लोग डिजिटल इंडिया में घर बैठे ही आपको हर कुछ देख सकते हैं, तो हमने भी एक छोटा सा प्रयास किया है। ये कंक्रीट का ब्रिज है जो कि सीताकुंड को जोड़ रहा है। हाँ, सीताकुंड को, यही रबर जो डैम है जो सीताकुंड को जोड़ता है, ब्रिज बनाया ऊपर से जो लोग भ्रमण करें। पहले सीताकुंड जाने में बहुत परेशानी होती थी, लोग पांच किलोमीटर दूर घूम के जाना पड़ता था। अब इस दूरी को कम कर दिया गया है, 1100 मीटर 800 मीटर है इसका दूरी, 800 मीटर इसको बनाया गया। लगभग ये 250 करोड़ बना है रबर डैम, 312 करोड़ का लगा इसमें और इसको बनाया गया। देखिए आज संडे का दिन है, बहुत ज्यादा भीड़ है आज, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इसमें पानी भरा हुआ। ये गंगा का सीन दिखाई दे रहा है, क्या करें, गंगा का सीन जैसा लग रहा है कि नहीं? फल्गु का नक्शा ही चेंज हो गया। हाँ, फल्गु का नक्शा तो पूरा चेंज हो गया। माना जाता था कि फल्गु में साल भर में तीन महीने या दो महीने ही पानी रहती थी, लेकिन अब नीतीश कुमार का प्रयास किया गया है कि वर्षों भर पानी रहे। हाँ, पहले लोग इसको इसमें गड्ढा खोद के पूजा करते थे, लेकिन अब गड्ढा खोद के पूजा नहीं करना पड़ेगा, क्या सही बोल रहे हैं? ऐसा बोला जाता है कि फल्गु को गंगा सीता माँ के शराब से मुक्ति मिल गया, क्योंकि जब सीता माँ पितृदान करने आए थे उस समय ही फल्गु को उन्होंने शराब दिया था कि आप अंतर्वाहनी हो जाइएगा, अंदर ही बहिएगा। सीता माता का तो श्राप था ही, लेकिन श्राप मुक्ति नहीं कर सकते हैं, जो पूरा नदी में पानी नहीं है, थोड़ा दूर में ही पानी, इसको श्राप मुक्त नहीं कर सकते हैं। इसे हाँ वो भी है, लेकिन इससे क्या हो सकता है कि गया का जो वाटर लेवल है उसमें भी सुधार आने की संभावना की जा रही है, कि उसमें भी अगर पानी होल्ड करके रखेगा यह डैम, तो गया का वाटर लेवल जो भागता है गर्मियों में वो भी कम भागेगा, उसमें भी कुछ सुधार आएगा। तो इस तरह से ज्योग्राफिकल और ऐतिहासिक धार्मिक रूप से तो महत्व रखती है। अब यहाँ पानी का दिक्कत नहीं होगा, गंगा जल भी आ गया ना करण, इसलिए पानी का भी दिक्कत नहीं होगा। हाँ। और खुदाई का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, अब यहाँ छठ भी कर सकते हैं आराम से, आप लोग पूजा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत, नहा भी सकते हैं, गंगा का मजा आप गया में ले सकते हैं। जो कि गंगा माता का पूजा करने के लिए हम लोग जाते थे पटना, नीतीश कुमार की प्रयास की गई है कि गंगा जल को हर जगह पहुंचाया जाए पाइपलाइन के थ्रू, और उन्होंने किया भी, उन्होंने एक सराहनीय कदम उठाई है हिंदुओं के लिए। तो अच्छा देखिए, लगभग यहाँ पर 2-3 हजार लोग तो आए हैं संडे के दिन घूमने के लिए, हर लोग आते हैं घूमने के लिए। यहाँ का सीन ही कुछ अलग हो गया, क्या करें, सही बता रहे हैं, सीन ही यहाँ का कुछ अलग हो गया, पहले जैसा नहीं रहा, तो बहुत बहुत चेंज हो गया, बहुत चेंज। और खासकर पितृदान, जो पितृदान करने आते हैं उनके पितरों के लिए बहुत ज्यादा सुविधा हो गया है, और बिहार से ही नहीं, भारत से ही नहीं, देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पे पितृदान करने, ऐसा माना जाता है, इतिहास है ये कि जो यहाँ पितृदान करते हैं। मान ली तो बिहार का सबसे फेमस जगह है विष्णु धाम, जो कि लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, इसी के लिए हमें व्यवस्था करवाया गया कि गंगा जल भी मंगवाया गया, नहीं तो अगर इतना नहीं रहता तो नहीं आता यहाँ पे। ये विष्णु भगवान का देन है कि हम लोग यहाँ चरण को अपना रखे थे मेरे ही एरिया में। और लग ही नहीं रहा कि फल्गु नदी है, अब देखने में रुक लग ही नहीं रहा कि फल्गु नदी, लग रहा हम लोग गंगा घाट आए हुए हैं। इधर का आप लोग को ऐसा फील होगा कि गंगा घाट आया हुआ पानी है, बहुत ज्यादा इसमें पानी है, 3-4 मीटर तक पानी है अंदर, 10 फीट पानी हो सकता है इसमें, उससे ज्यादा ही होगा, क्या करें, होगा ना। देखिए भीड़ तो कहीं कम लग ही नहीं रहा, अभी हम लोग वहां तक जाएंगे सीताकुंड, धीरे धीरे हम लोग चल भी रहे हैं, पहुंच भी जाएंगे, जितना देर समय लगेगा आप लोग एक ही ब्लॉग में पूरा वीडियो हम दिखाना चाह रहे हैं। करण मजा लग रहा है कि नहीं लग रहा है घूमने में, कैसा आप लोग को फील हो रहा, देखिए करण कैसा फील हो रहा, करण यहाँ आपको आने के बाद, देवेंद्र आपको देवेंद्र थोड़ा सा शर्मा रहे हैं बोलने में वीडियो में, करण कैसा लग रहा है आपको बताइए, बहुत अच्छा लग रहा है, बिहार लग रहा ना, बिहार धीरे धीरे चेंज हो रहा है, बिहार को लंदन बना देना है, ठीक है, क्या करण सही बोल रहे हैं ना, बिहार अब चेंज कर रहा है क्या जी, अब बिहार तो बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, देखिए लोग यहाँ पहले फोटो लेने तक नहीं आते थे, लेकिन अब सब लोग फोटो ले रहे हैं, अब जैसे टूरिज्म बढ़ रहा है तो यहाँ का
ट्रांजैक्शन बढ़ेगा, मतलब बिहार को फायदा होगा टूरिज्म से। और बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, तो कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को सहूलियत हो। यहाँ ऐसा बना दिया जाए कि जो लोग चाहते हैं कि बिहार में नहीं है, इसके वजह से आना पड़े। कैसा बना हुआ रबर डैम देखने चले क्या? तो सही बोल रहे हैं ना। तो बौद्ध मंदिर के बाद रबर डैम, नालंदा, रबर डैम घूमने के लिए आए हैं। अब जरूरी भी है भाई फोटो, अभी फोटो का जमाना ही चल गया भाई, फोटो तो ट्रेंडिंग में चल रहा भाई, नहीं तो कुछ नहीं। हाँ बात सही बोला, अभी भी काम कुछ प्रोसेस में है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर फोटो लेने का जगह भी नहीं, कर बता रहे थे चलिए।